शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम्हें पिता का अधिकार मिला, अब तुम्हें पति का अधिकार भी दिलवाएंगे। हम तुम दोनों का गौना करवा कर रहेंगे। कल करवा चौथ है और करवा चौथ के ठीक दो दिन बाद विवाह का उत्तम मुहूर्त बन रहा है। जब हमारा दुश्मन एक है तो सोच भी एक ही होनी चाहिए और वो है गहना की बर्बादी। तो बोलिए उर्वशी, कर लें गठबंधन? सुधा, हम जानते हैं कि तुम हमसे नाराज हो, लेकिन ज्यादा दिनों तक तुम्हें नाराज नहीं रहने देंगे। सरगी का सामान लाए हैं तुम्हारे लिए, हमेशा की तरह। माँ और पिताजी के जाने के बाद हर साल हम ही तो लाते हैं ना। जिस सरगी की थाली में पहले हमें प्यार, विश्वास और मिठास नजर आती थी, आज उसी थाली में हमें धोखा, साजिश और कड़वाहट नजर आ रही है। आपने जो किया ना, वो हमारे दिमाग से नहीं उतर रहा, तो सरगी हमारे गले से कैसे उतरेगी? आप जाइए यहाँ से। सरगी तो क्या, हम आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। शिव पार्वती, पिछली बार हमने अपना करवा चौथ का व्रत गौरव की फोटो देखकर खोला था और आपसे हमने विनती की थी कि अगली बार हम अपना करवा चौथ का व्रत गौरव का चेहरा देखकर खोलेंगे। आपने हमारी सुन ली, अब हमारा गौना होने जा रहा है। ये हमारा पहला करवा चौथ का व्रत है गौरव के साथ। हम इसे बहुत अच्छे से मनाएंगे, अब बस अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। करवा चौथ में अब तुम्हारे चौथे की तैयारी होगी। इस करवा चौथ के साथ हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी और इतनी खुशियां होंगी कि हर रोज खुशियों की नजर उतारनी पड़ेगी। कल हमने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। जब हमारी जिंदगियां एक होने वाली हैं तो अब हर काम एक साथ होगा। कल तुम अकेले अपना व्रत नहीं खोलोगी, हम भी तुम्हारे साथ अपना व्रत खोलेंगे। हमने उर्वशी से कभी प्यार नहीं किया क्योंकि हमारा प्यार हमेशा से गहना के लिए था। ना हम कभी आपसे प्यार करते थे और ना ही कभी करेंगे। मुझसे मेरा पति छीनकर जो खुशी हुई है ना तुम्हें गहना, वो तुम्हें बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। गौरव के सिंदूर की कसम खा के कहती हूँ कहना कि मैं तुम्हें उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी।
करवा चौथ का उपहार। रुको सुधा। सुधा, रस्मों से कैसी नाराजगी? करवा चौथ का उपहार हम तुम्हें हर साल देते हैं, तो इस साल भी। आप हमें महंगी सौगात दे चुके हैं, उसके सामने इसकी क्या कीमत? रही रस्मों की बात, तो बदकिस्मती से हम आपकी पत्नी हैं। रस्में तो निभाएंगे, आपके लिए व्रत भी रखेंगे, आपकी लंबी उम्र की दुआएं भी मांगेंगे, लेकिन बीते कल जैसी बात फिर कभी नहीं हो पाएगी। एक समय था जब आप हमारे लिए थे और हम आपके लिए। आज आप हमारे लिए नहीं है और ना हम आपके लिए। मेरी प्यारी गहना, कहते हैं दूर रहने से प्यार बढ़ता है, और अब हम उसी प्यार को जीना चाहते हैं। परसों शादी के बाद हम एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के लिए जिएंगे। जब व्रत खोलने आओ तो ये ड्रेस पहन कर आना, तुम्हारा गौरव। मेहनत से इंतजाम किए हैं गहना, बस तुम्हें पसंद आ जाए। पता नहीं करवा चौथ का व्रत किसने बनाया। उम्र पति की बढ़ती है, लेकिन भूख के मारे हमारी हालत खराब होती है। श्लोक, तुम चाहते हो ना कि हम तुम्हारी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें? तो उसके लिए हमारी उम्र भी तो लंबी होनी चाहिए ना। क्या है ये, खाने दो ना। अरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम करवा चौथ का व्रत तुम्हारे लिए रख रहे हैं, तो तुम्हें भी तो हमारे लिए व्रत रखना चाहिए ना बुद्धू। पति को बुद्धू बोल रही हो, तुम्हें पाप लगेगा। अच्छा ये बात छोड़ो, तुम ये बताओ उर्वशी और तुमने गहना के बारे में क्या सोचा है? इस बार सोचेंगे नहीं, सीधा फाइनल करेंगे। तुम बस देखते जाओ। गौरव, ये सब किसने भेजा? गौरव, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा गौरव? अपने लोग जब मर जाते हैं ना, तो उनके लिए दो दिन आंसू बहाया जाता है,
उसके बाद सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ये तो एक रिश्ता है बेटा, भूल जाओ इसे। लोग मरे हुए लोगों के लिए आंसू बहाते हैं माँ, पर जो लोग जिंदा होते हैं उनके लिए दुनिया से लड़ा जाता है। मैं गौरव को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती माँ। उर्वशी, हम अपनी जिंदगी जी चुके हैं बेटा, तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है और ऐसे लड़ खड़ाते कदमों से जिंदगी जी नहीं चाहती। हम नहीं चाहते कि हमारी तरह तुम इन रस्मों को बेमन से निभाओ। माँ प्लीज, आप रो क्यों रही हैं? हाँ आप प्लीज मत रोइए माँ, मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या कह रही, पर आप मेरी बात समझिए कि गौरव को मैं एक दिन में नहीं भूल सकती। इसीलिए माँ मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक आखिरी बार मुझे गौरव के लिए करवा चौथ का व्रत रखने दीजिए। प्लीज माँ, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रही ना? जैसे तुम्हारी मर्जी। ये मेरा नहीं तुम्हारा आखिरी करवा चौथ है गहना। Promise you, Gehna, अगले साल करवा चौथ के दिन मैं तुम्हारी बरसी मनाऊंगी। करवा चौथ का चांद देखो, उसके बाद अपना चांद। हमें जब से मोहब्बत हो गई है ये दुनिया खूबसूरत हो।
जब से मोहब्बत हो गई है ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, हमें जब से मोहब्बत हो गई है। हमारा बस चलता ना तो ये चांद को पहले ही ले आते, हमारी गहना को भूखा प्यासा नहीं देख सकते हम। हमें पानी पिलाकर हमारा व्रत नहीं छोड़ोगी तुम? हमने भी तुम्हारे लिए व्रत रखा है गहना। अगर तुम हमारे लिए भूखी प्यासी रह सकती तो हमारे अंदर अंजल कैसे जाता? हमें पानी पिलाओ। हमें जब से मोहब्बत हो गई है सिर्फ व्रत ही नहीं रखा है तुम्हारे लिए, तुम्हारी लंबी उम्र की कामना भी की है। अगर जिंदगी भर खुशियों के पल साथ जीने हैं तो दोनों की उम्र भी तो लंबी होनी चाहिए ना। गौरव, हमने भी जिंदगी में इस लम्हे के लिए बहुत इंतजार किया है। अब हम इस दुनिया से तो क्या यमराज से भी लड़ जाएंगे, लेकिन तुमसे अलग नहीं होंगे। आपके हाथों से पानी पी के शायद हमारी प्यास नहीं बुझेगी। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे उनकी छोड़ो, वो लोग तो ठीक हो जाएंगे। तुम ये बताओ कि उर्वशी कहाँ है? अपने रूम में होगी। और कहां? मेरा व्रत नहीं खोलोगे गौरव? क्यों नहीं उर्वशी मैडम, आपने हमारे लिए व्रत रखा है, हम आपका व्रत अपने हाथों से खोलेंगे। ये लीजिए।
हूँ गौरव। मुझे अपनी पत्नी मानो या ना मानो गौरव, मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। तो अब से तुम्हारी दुनिया और दुनियादारी दोनों सिर्फ और सिर्फ मुझसे है, समझे तुम? समझे? सर, हाँ इधर रख दीजिए। तुम्हें मोतीचूर के लड्डू पसंद है? अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।